In my previous lectures, I had already gone through with DDA line drawing algorithm, जिसकी अलगो की हेल्प से हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था और लैब में प्रैक्टिकल भी कर लिया है, राइट. अब हम ने इस वीक में जो देखा, दैट इज ब्रेजेनम्स, ब्रेजेनम्स लाइन ड्रॉइंग अल्गोरिदम विथ एम लेस देन वन एंड विथ एम ग्रेटर देन वन. तो कल की जो हमारी लैब होने वाली है, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे जो हमारे लैब लेक्चर रहेंगे, उसमें हम m लेस देन वन और टाइम मिला तो m ग्रेटर देन वन, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आपको सिर्फ कॉपी करके सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है. तो दोनों न्यूमेरिकल आई थिंक कल और परसों के लैब में हो जाएंगे. दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 6 and 7, राइट. और ये जो तीनों हैं, दिस ऑल थ्री बिलोंग्स टू लाइन ड्रॉइंग अल्गोरिदम. मतलब इन तीनों में हमने लाइन को ड्रॉ किया है DDA की हेल्प से, ब्रेजेनम्स की हेल्प से, और ब्रेजेनम्स में हमने m की वैल्यू चेक की है. ब्रेजेनम्स में हमने क्या किया है, हमने ब्रेजेनम्स में m की वैल्यू भी चेक की है. यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो उसके लिए अलगो अलग है, और यदि m की वैल्यू यदि लेस देन वन है तो उसके लिए जो अल्गोरिदम है वो अलग है. मतलब टोटली m की वैल्यू पे इट विल बी डिपेंडिंग, m की वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा. इज इट ओके विद यू? इज इट ओके? यस मैम. अब हमें आज की क्लास में जो देखना है वो देखना है ब्रेजेनम्स सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम. ब्रेजेनम्स सर्कल ड्रॉइंग, मतलब आज की क्लास में अब हम लाइन नहीं बनाएंगे, अब हम सर्कल पे स्विच करेंगे. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कहते हैं, और ये सही भी है, दैट सर्कल इज अ सिमिट्री फिगर. जो सर्कल होता है वो सिमिट्री फिगर होता है. यदि आपकी ये एक्स एक्सिस है, यदि आपकी ये वाई एक्सिस है, तो आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई आता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो होता है दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट. अब हम जितने भी क्वाड्रेंट की बात करें, हम हमेशा अभी तक पॉजिटिव की बात करते हैं. और एक चीज देखो, ये लॉजिक मैं बता रही हूँ सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम का. यदि आपको ये लॉजिक आपने नहीं सीखा तो आपके लिए, मतलब आपको फिर सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आएगा. लॉजिक समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यदि मेरी ये पॉइंट्स है, आपको पता है ये मेरे सब एक्सिस है ना, ये तो आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, यहाँ पर एक्स की लाइन बनती है, वाई की लाइन बनती है, और इस तरह से हम पॉइंट्स बनाते हैं. अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल को हम हमेशा, लाइन कैसे बनाते थे हम, जीरो जीरो से या कोई भी पॉइंट से शुरू करके उसके ऊपर वाले पॉइंट तक जाते थे, लाइक दिस ऊपर की तरफ मूव करते थे. तो ऊपर की मूव करने के कारण एक्स भी इंक्रीज होता था और आपका जो वाई है वाई भी इंक्रीज होता था. मतलब ये केस कैसा होता है ब्रेजेनम सर्कल का, मतलब सॉरी लाइन ड्राइंग में कैसा होता है कि आपका एक्स भी इंक्रीज होता है और आपका वाई भी इंक्रीज होता है, दोनों जो है वो इंक्रीज होते हैं. और समटाइम्स क्या होता है कि एक्स तो इंक्रीज होता है लेकिन वाई जो है आपका वो एज इट इज रहता है, क्योंकि वाई आपका इंक्रीज नहीं होता है. लेकिन सर्कल के केस में जस्ट अपोजिट रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर्कल के केस में कि एक्स तो आपका इंक्रीज होगा बट जो वाई है वो डिक्रीज होगा. प्लीज डू माइंड दिस पॉइंट कि एक्स तो इंक्रीज होगा लेकिन सर्कल के केस में वाई डिक्रीज होगा. क्योंकि सर्कल के केस में क्या होता है, हम यहाँ पर लाइन नहीं बनाएंगे, मैं बताती हूँ. यहाँ पर हम ऊपर से शुरू करेंगे. कहाँ से शुरू करेंगे? ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे. नीचे की तरफ आएंगे मतलब हम इस तरह से नीचे की तरफ मूव करेंगे. और जब भी नीचे की तरफ मूव करेंगे, आपको पता है कि वाई ऊपर जाने से इंक्रीज होता है और नीचे आने से जो वाई है वो डिक्रीज होता है. तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो यहां पर जो है वो वाई हमेशा डिक्रीज होगा, वाई हमेशा
माइनस होगा। तो इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना है ब्रेजिलियन सर्कल ड्राइंग के केस में। मेरी बात आपको आई समझ में? एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम, यस मैम। प्लीज आंसर, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सर्कल जो है अभी मैंने ब्रेजिलियन सर्कल तो आपको पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो मैं आपको सिर्फ सर्कल का लॉजिक बता रही हूँ कि सर्कल ड्रॉइंग में हम करते क्या है एक्चुअली। तो मैं फिर बता रही हूँ आपको कि और सर्कल में हम नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। और जब भी सर्कल में हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उस केस में जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखना है। जैसे हमने ब्रेजिलियन लाइन में मैंने आपको लॉजिक बताया था, वैसे ही सेम लॉजिक मैं आपको ब्रेजिलियन सर्कल के केस में बता रही हूँ। यदि ये वाला पॉइंट आपका एक्स के है और वाई के है, ठीक है ना, और आपको सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है मतलब जो नेक्स्ट टू जो नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट होंगे, या तो ये वाला होगा या इसके नीचे वाला होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल हम ऐसे बनाते हैं, हम नीचे आते हैं। सर्कल के केस में हम क्या करते हैं? सर्कल के केस में हम नीचे आते हैं। तो या तो वैल्यू ये वाली होगी। अब देखो, यदि वैल्यू ये वाली पॉइंट होती है तो आपको पता है कि हम कोऑर्डिनेट को कैसे मैच करते हैं। x की वैल्यू इंक्रीज होगी x के प्लस वन, क्योंकि आगे हो रहा है, आप फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और y के मतलब इस केस में जो y है वो y के ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल में x बढ़ता है लेकिन y एज इट इज रहता है, y की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको लॉजिक समझ में आया सर्कल के केस में? और जब हम नीचे की बात करते तो आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स हमेशा सेम रहता है, मतलब ये वाला वैल्यू तो एक्स के प्लस वन ही रहेगा, लेकिन नीचे आने से क्या होगा, आपका जो वाई है वो वाई के माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना, जो वाई है वो वाई के माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब आएंगे तो आपका वाई के माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि नीचे आने से वाई की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। मतलब ब्रेजिनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम और ब्रेजिनेम्स सर्कल ड्राइंग, इन दोनों में क्या अंतर है मैं फिर एक बार बता देती हूँ। एक्स के वाई के जब एक पॉइंट था तो इसके जो टू नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट हो सकते हैं उसमें एक्स के की वैल्यू तो दोनों के ही केस में इंक्रीज होगी, ठीक है ना, जो एक्स के की वैल्यू है वो दोनों के केस में इंक्रीज होगी, लेकिन जो वाई के की वैल्यू है वो जो वाई के की वैल्यू है ये क्या होगी, ये तो दोनों ही इंक्रीज होगी, लेकिन जो वाई के की वैल्यू है वो एक केस में वाई के प्लस वन होगी और एक केस में होगी वाई के। ये कब होता है? ब्रेजिनेम्स लाइन ड्राइंग के केस में। लेकिन ब्रेजिनेम्स सर्कल के केस में क्या होगा? सर्कल के केस में होगा कि एक केस में तो वाई की वैल्यू जो क्या है वो डिक्रीज होगी और एक केस में जो है वो वाई की वैल्यू एस इट इज रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, वाई के माइनस वन, और या तो वाई के माइनस वन होगा या वाई के एस इट इज रहेगा। आज का लॉजिक हमारा यहीं से शुरू होता है कि सर्कल के केस में हम ऊपर से नीचे आते हैं सर्कल बनाने के लिए। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल बनाते हैं तो यदि हमारी हैबिट क्लॉकवाइज में बनाने की लाइक दिस, क्लॉकवाइज मतलब ऊपर से नीचे फिर लाइक दिस, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो या तो वाई के माइनस वन रहेगा या वाई के रहेगा। दिस इज द मेन लॉजिक। आपको क्लियर आया? मेरी बात समझ में आई? अब हम सर्कल ड्राइंग का एक्चुअली में पढ़ना शुरू करते हैं कि सर्कल ड्राइंग होता क्या है और इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो आज का टॉपिक है ब्रेजिनेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। ड्राइंग अ सर्कल ऑन द स्क्रीन इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स देन ड्राइंग अ लाइन, क्योंकि ऑब्वियस बात है लाइन में तो दो एंड पॉइंट रहते हैं और दो एंड पॉइंट से आपको कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना रहता है, लेकिन सर्कल के केस में तो आपको
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल को कंप्लीट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस केस में टू पॉपुलर जनरल जनरेटिंग सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम्स होती है, एक होती है ब्राजेनम्स एल्गोरिदम और दूसरी होती है मिड पॉइंट एल्गोरिदम। दो एल्गोरिदम होती है ब्राजेनम्स की, सॉरी सर्कल ड्रॉइंग की, वन इज गिवन बाय ब्राजेनम्स और एक में मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए उसको मिड पॉइंट एल्गोरिदम बोलते हैं। किसने बनाई है उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब दिस एल्गोरिदम्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिटरमाइनिंग द सब्सिक्वेंट पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द सर्कल। जैसे लाइन के केस में हमने एक पॉइंट फाइंड आउट किया, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट किया, तीसरा पॉइंट फाइंड आउट किया और ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करते करते हम एंड तक पहुंच गए। वैसे ही सर्कल के केस में आपको क्या करना है, आप एक्स वाई मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करके रेस्ट ऑफ द क्वाड्रेंट के जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली आपके प्लॉट हो जाएंगे। कैसे होंगे भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में, मैं नेक्स्ट फिगर में बताऊंगी। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y is equal to mx plus c, वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x square plus y square equal to r square. और इस स्लाइड में लिखा हुआ भी है नीचे कि इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होती है वो होती है x square plus y square equals to r square, where r is the radius and what is x and y. So x and y are any point on the circle. जो x और y है वो circle पे कोई भी point है। अब ये जो figure है सबसे important figure है जो मेरे को आपको आज की class में बताना है और इसी के पीछे पूरा logic है circle को draw करने का। देखो मैं first quadrant की बात कर रही हूँ, ये मेरा first quadrant है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और जो ये है मेरा लास्ट वाला, दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज आप ध्यान में देखो कि पहला पॉइंट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपका ये जो है सर्कल की इक्वेशन है, मतलब ये जो एक्स वाई है ये पॉइंट कहीं ना कहीं सर्कल पे लाए करता है, तभी तो वो सर्कल की इक्वेशन हुई। x, y सर्कल पे कहीं ना कहीं लाए करता है तभी तो वो सर्कल की इक्वेशन हुई। मतलब ये हमारा पूरा सर्कल है, तो देखो ये x, y ये ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे लाए करता है। क्लियर आपको फिगर से समझ में आ रहा है? अब ये वाला जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाए कर रहा है, तो व्हाट इज y, x? इस केस में y, x क्या है, ये y, x क्या है? तो अभी मैंने बताया कि सर्कल एक सिमिट्री फिगर होता है और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये 45 का एंगल बना रही है विद दी आपका बेस जो है, रेडियस जो है उससे 45 का एंगल बना रही है। तो यदि ये मेरा, इफ आई सपोज दिस इज 180 डिग्री, क्योंकि ये तो एक्सिस है और 180 डिग्री है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, हम सेकेंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, मतलब 180 डिग्री हमेशा मिरर इमेज बनाती है। हम जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो हमें पूरा हम दिखाई देते हैं, पूरी की पूरी हमारी इमेज दिखाई देती है, क्योंकि 180 डिग्री से हम पूरे आईने में दिखाई देते हैं, मतलब वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हम पढ़ चुके हैं 11th 12th की फिजिक्स में, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री है, तो उसके कारण जो है जो ये वाला पॉइंट रहेगा इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट रहेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्स बिकम्स वाई एंड y becomes x, मतलब जो पॉइंट है वो हो जाएगा y x। अब ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे ये दोनों पॉइंट क्या हैं? पॉजिटिव और पॉजिटिव है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब अगेन इस फिगर में मैं देखूं कि ये जो y एक्सिस है, अगेन y एक्सिस क्या कर रही है, 180 डिग्री बना रही है, y एक्सिस भी 180 डिग्री बना रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अब यहां पर क्या होगा, आपका जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो गया यहां पर, मतलब जो y है आपका वो नेगेटिव का y होता है, ठीक है ना? जस्ट मिनट वेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऊपर ये जो सॉरी ये जो x है, यहाँ पर जो x है वो क्या है आपका, जो x है वो क्या है, नेगेटिव का है, और जो y है वो आपका क्या है, पॉजिटिव का है। तो आप पॉइंट इस केस में आप सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं
जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, माइनस एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो माइनस की है और जो वाई है वो क्या है, पॉजिटिव की है। और अगेन जब इसका मैं रिफ्लेक्शन, जब मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाऊंगी इस पॉइंट से, तो पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी रिफ्लेक्शन के कारण, पर माइनस साइन जो है वो सेम रहेगी, तो x becomes y एंड y becomes x, तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो आ गया माइनस y और x। सिमिलर मैनर में जो मेरा ये वाला पॉइंट है दिट इज माइनस x एंड माइनस y, क्यों, क्योंकि माइनस x है और यहाँ पर जो y है वो भी क्या है, माइनस है, तो अगेन इसका जो पॉइंट ऑफ सिमिट्री है वो क्या निकलेगा, x और y की पोजीशन बदल जाएगी, माइनस माइनस सेम रहेगा तो y और x हो जाएगा। और सिमिलर मैनर में x और y आपका यहाँ पर है, क्योंकि आपका जो x है वो पॉजिटिव है और जो यहाँ पर y है वो नेगेटिव है, तो x और y की पोजीशन चेंज करने से आपका जो y है वो x बन जाएगा और माइनस y की जगह पे माइनस x आ जाएगा। दिस आर नोन एज पॉइंट्स ऑफ सिमिट्री, इसको पॉइंट्स ऑफ सिमिट्री बोलते हैं, क्योंकि आप यदि ये दो पॉइंट, मतलब आपको x और y पता हो तो उससे आप y x निकाल सकते हो, आपको y x पता हो तो आप माइनस y x निकाल सकते हो, माइनस x मतलब एक पॉइंट निकालने से आप सातों पॉइंट बचे हुए निकाल सकते हो, और ऐसे आप यदि सातों पॉइंट निकालते हो एक इटरेशन में, तो जब मैं सर्कल की बात करती हूँ तो वहां पर एट अ टाइम 7 पॉइंट बन जाएंगे। जैसे हमको सर्कल बनाना है तो पहला पॉइंट हमें पता है एक्स कॉमा वाई, तो उससे दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट, पांचवा और छठा पॉइंट और सातवा और आठवा पॉइंट, मतलब इस तरह से हम बचे हुए सात पॉइंट निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट 8 पॉइंट हो जाएंगे। फिर हमने वापस से हमारा लूप चलाया तो वापस से हमको नया x और y मिला, उसके करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8, आपको फिर से 8 पॉइंट मिल गए। फिर आपने तीसरी बार सपोज लूप चलाया जिसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्स वाई मिला, तो 1, 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7 and then 8, आपको फिर से 8 पॉइंट मिले, मतलब इस तरह से आपका जो सर्कल है वो पूरा ड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिकली जस्ट फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आप वैल्यू निकाल दोगे तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी बची हुई जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। आपको मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में, बिकॉज पॉइंट ऑफ सिमिट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्न इन दी CGMM। अरुण, ऋषिराज, ज्योति, आपको क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू लर्न? पॉइंट ऑफ सिमिट्री ऑफ, यस मैम, किस तरह से एक पॉइंट निकालने से बाकी पॉइंट ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। देखो लेफ्ट और राइट फिगर ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, यहाँ पर ए बी लिखा है, आपको सिर्फ एक पॉइंट पता करना है, एक पॉइंट पता कर लेंगे तो बाकी के पॉइंट ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड का नाम दिया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आपको अपना बिल्डअप करना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एक्स वाई इज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इज ऑन द सर्कल, और एक्स वाई जो क्या है वो सर्कल पर भी है, राइट? तो एक्स वाई मतलब हमारी जो सर्कल की इक्वेशन है डेफिनेटली उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट सर्कल पर है और सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। चलिए अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया कि हमारे पास एक्स वाई पहला पॉइंट तो है, लेकिन हमें तो अगला एक्स वाई फाइंड आउट करना है, हमको तो नेक्स्ट एक्स वाई फाइंड करना है। तो नेक्स्ट एक्स वाई को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कौन कौन से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो एन या तो एस। जैसे मैंने ब्रेजेनम्स लाइन के केस में आपको टॉप और बॉटम बताया था, यहाँ पर नाम दिया है एन और एस, यहाँ पर भी आप टॉप और बॉटम नाम दे सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो एन के केस में क्या होगा कि एक्स की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन जो वाई है वो एज इट इज रहेगा। इसका लॉजिक मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दिया कि यहाँ पर यदि एक्स के है और यदि यहाँ पर वाई के है
तो x की वैल्यू तो 1 से इंक्रीज होगी पर y इस पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। और इसके नीचे जब बात करती हूँ तो यहाँ पर भी x की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन नीचे आने के कारण, देखो ये लाइन बन रहा है, ये नीचे आने के कारण, नीचे आने के कारण हमारी क्या हो रही है, नीचे आने के कारण हमारी जो y है जो इट इज गेटिंग रेड्यूस, y जो है हमारा वो रेड्यूस हो रहा है। तो दो पॉसिबल पॉइंट कौन कौन से हैं कि दोनों के केस में x बढ़ेगा और एक के केस में y एज इट इज रहेगा और दूसरे के केस में y जो है वो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वाला बॉटम का केस हो गया जिसमें माइनस होगा और ये वाला टॉप का केस हो गया जिसमें वो एज इट इज रहेगा। और ब्रेजेनम्स लाइन के केस में अपोजिट होता था, राइट, कि टॉप के केस में बढ़ता था और बॉटम के केस में जो है वो एज इट इज रहता था। तो ये लॉजिक जो है आप बना लोगे तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर वाले को मैंने नाम दिया फंक्शन ऑफ एन और नीचे वाले को मैंने नाम दिया फंक्शन ऑफ एस। अभी क्या करेंगे हम इन फंक्शंस का देखते हैं। चलो वापस से मैंने वही लॉजिक फिर से बना दिया, बार बार एक ही चीज को इसलिए समझा रही हूँ कि आपको चीजें जो हैं जल्दी से समझ में आ जाए। और अब हम ब्रेजेनम्स लाइन ड्रॉइंग का अलगो शुरू कर रहे हैं, मतलब हम डेरिवेशन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखो इट इज डिसाइडेड बाय यूजिंग द डिसीजन पैरामीटर। मैंने बोला था आपको कि जो डिसीजन पैरामीटर पीके आप लाइन के केस में पढ़ रहे हो वो आपको सर्कल के केस में ही पढ़ना है, चाहे ब्रेजेनम सर्कल हो चाहे वो मिड पॉइंट सर्कल हो। और यहाँ पर जो पीके को नाम दिया है हमने डी नाम से, वहां पर भी हमने दिया था। तो इफ डी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यदि डी की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू जीरो आती है तो आप एक्स को तो बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे और वाई विल रिमेन एज इट इज, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट चूज होगा यहाँ पर वो टॉप वाला होगा, वो ऊपर वाला पॉइंट चूज होगा। और यदि पी की वैल्यू इसमें मेरे ख्याल से इक्वल्स टू जो इसके साथ नहीं आएगा, एक मिनट मैं चेक कर लूंगी, अभी अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब तक मैं चेक कर लूंगी। और यदि डी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो है तो जो आपका बॉटम वाला पॉइंट चूज होगा, मतलब एक्स की वैल्यू तो बढ़ेगी उस केस में पर जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि नीचे आते तो y हमेशा माइनस होता है। मतलब अगेन हम क्या लेंगे d1 और d2, ऐसे हमने ब्रेजेनम्स में भी ली थी, याद होगा कि आपकी ये लाइन थी और ये ऊपर टॉप पॉइंट था नीचे बॉटम पॉइंट था, बॉटम पॉइंट के साथ डिस्टेंस को हमने d2 या d1 बोला था और ऊपर वाले को हमने d1 या d2 जो भी वहां पर बोला था। तो सिमिलर केस में कॉन्सेप्ट तो देखो ब्रेजेनम्स ने दिया है, वो लाइन का दिया था, ये सर्कल का दिया था। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ पर आपका जो सर्कल का जो ये सर्कमफेरेंस है ये पास हो रहा है, यहाँ पर लाइन नहीं पास हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है सर्कल का सर्कमफेरेंस पास हो रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पहले वाला पॉइंट है जिसको आपने नाम दिया xk yk और xk प्लस 1 yk एक पॉइंट हुआ और xk प्लस 1 yk माइनस 1 दूसरा पॉइंट हुआ। अब इन दोनों में से आपको n और s, डाउट क्या है कि आपको n को चूज करना है या s को चूज करना है। तो एक की डिस्टेंस हमने जो ट्रू लेंथ मतलब जो ये सर्कमफेरेंस है एक की डिस्टेंस को हमने माना d1 और नीचे वाले की डिस्टेंस को हमने माना d2। आया आपको समझ में, मतलब आपका ये जो सर्कमफेरेंस है वो यहां से निकल रहा है और ये हमारा ट्रू पॉइंट है। तो एक पॉइंट है इसके ऊपर जिसको नाम दिया d1 और एक जो पॉइंट है इसके नीचे जिसको नाम दिया हमने d2। तो नोट कर लेंगे द पॉइंट टू बी नोटेड कि x तो दोनों के केस में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो y है एक के केस में डिक्रीज हो रहा है और एक के केस में सेम रह रहा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इट इज रिमेन एज इट इज। आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि कैसे सर्कल ड्रॉइंग को प्रोसीड करेंगे? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यस मैम। यस यस मैम। अब हमारा जो डेरिवेशन है हम शुरू करेंगे। मैंने आपको लाइन के केस में बताया था कि ब्रेजेनम्स लाइन के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन से शुरू होगा, यहाँ पर हम सर्कल का डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल से जो डेरिवेशन शुरू होगा। अब देखो यदि x और y सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है और यदि h और k यदि ये ओरिजिन है सेंटर है, मतलब ठीक है ना, मतलब कैसे लाइक दिस, वेट अ मिनट,
लाइक दिस, यदि ये मेरा एक सेंटर जो है इसका पॉइंट यदि एच और के है, और यदि एक्स और के मेरा सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आप कैसे लिखोगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो कहां पर है, दैट इज एट दी ओरिजिन। वो किस पे है, ओरिजिन पर है, वो किस पे है, ओरिजिन पर है, और ओरिजिन पे है मतलब ओरिजिन जो होता है दैट इज 0, 0। तो उस केस में एच और के की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 0 और 0, मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन बिकम्स बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मेरी बात आ रही है आपको समझ में, मतलब हम डेरिवेशन कहां से शुरू करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल से, दैट इज गिवन बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अ फंक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में कि आप FN और FS ये दो फंक्शन है बॉटम और टॉप के लिए। मैं बताऊंगी इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने सर्कल का फंक्शन बनाया जिसको बोला FC। FC equals to x square plus y square minus r square। फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो r भी जो आ गया आपकी एक ही साइड आ गया, तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा आपका r square तो वो माइनस का हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे लिखा, फंक्शन ऑफ सी मतलब फंक्शन ऑफ जो सर्कल है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। अब फंक्शन ऑफ सर्कल एट एन मतलब एफ एन पे क्या होगा। अब देखो एफ एन पे आपको पता है एफ एन पे जो एक्स है वो प्लस वन होता है, एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जो वाई रहता है वो एज इट इज रहता है। तो यहां पर आप एक्स को एक्स के प्लस वन से रिप्लेस कर दोगे और y को y के से रिप्लेस कर दोगे। तो fn क्या हो गया, x के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y के का स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर। ये टॉप के लिए, ऊपर वाले के लिए। सिमिलर मैनर में आप क्या करोगे अभी अपन देखते हैं। अब देखो आपका ये सर्कमफ्रेंस यहां से जा रहा है, fn जो है ऊपर है और जो fs है वो क्या है, नीचे है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, हियर द वैल्यू ऑफ एफ एन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एन इज आउटसाइड द सर्कल। क्योंकि एन जो होगा वो आउटसाइड द सर्कल होगा। हम कैसे मान रहे हैं कि एन आउटसाइड द सर्कल है, क्योंकि सर्कल के ऊपर तो एक्स और वाई है, तो ऑब्वियसली एक्स प्लस वन और वाई जो रहेगा वो सर्कल के बाहर रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह के लॉजिक आपको बनाते आने चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट स्लाइड ले लेते हैं, 6 मिनट बचे, फिर इसका कंटिन्यू जो है अलगो का डेरिवेशन हम कल की क्लास में कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अब फंक्शन एस के केस में क्या होगा, जो फंक्शन है हमारा वो एस मतलब बॉटम वाले पॉइंट के केस में क्या होगा। देखो वहां पर एक्स की वैल्यू तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, पर वाई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होती है। अभी आपको मैंने बताया कि वाई की वैल्यू जो क्या है वो डिक्रीज होती है। तो उस केस में आप इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स के प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई के माइनस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर वो सर्कमफ्रेंस के बाहर था टॉप वाला पॉइंट इसलिए वो पॉजिटिव था, और ये सर्कमफ्रेंस के अंदर है इसलिए पॉइंट हमारा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें तो वो पॉइंट चाहिए जो सर्कल के ऊपर आ रहा है, दैट इज एक्स एंड वाई। हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो ट्रू लोकेशन पर है, एक्स और वाई पर है। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, हियर द वैल्यू ऑफ एफ एस विल बी नेगेटिव। जैसे एफ एन पॉजिटिव था वैसे एफ एन नेगेटिव है, बिकॉज एस लाइज इनसाइड द सर्कल, मतलब ये हमारा सर्कमफ्रेंस है, तो एक सर्कल के बाहर है, एक सर्कल के अंदर है, और जो सर्कमफ्रेंस पर है वो कौन सा है, एफ ऑफ सी, जिसमें एक्स और वाई आता है, एफ ऑफ सी वो सर्कल के ऊपर है, f of s जो है वो सर्कल के नीचे, और जब f of n है वो सर्कल के ऊपर है, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है आपका, एक पॉजिटिव है
और एक जो है वो नेगेटिव है. नाउ वी नीड टू टेक अ डिसीजन. अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन पैरामीटर को यहां पर कैसे शो किया है, डी के से. जैसे वहां पर हम पी के से शो करते थे, यहां पर डी के से शो होता है. तो डी के इज इक्वल्स टू एफ एन प्लस एफ एस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में यूज करा तो वो मिडिल वाला पॉइंट, मतलब आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपका आ जाएगा. तो एक पॉइंट है आपका पॉजिटिव, एक पॉइंट है नेगेटिव, इसलिए हमने एफ एन प्लस एफ एस कर दिया. क्या कर दिया हमने? एफ एन प्लस एफ एस. मतलब अब हमें अलगों को आगे बढ़ाना है तो हमें एफ एन प्लस एफ एस करना पड़ेगा. चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म कर रही हूं. कल की क्लास में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल पुट दी वैल्यूज. हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. कैसे पुट करेंगे, कि हमारा जो डीके है वो क्या है, एफ एन प्लस एफ एस है. तो पहले हम एफ एन की वैल्यू लिखेंगे और प्लस लगा के हम एफ एस की वैल्यू रखेंगे और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा. लेकिन आज की क्लास में जो हमने लॉजिक बनाया, वो क्या बनाया, कि यदि डीके की वैल्यू लेस देन जीरो है, डीके की वैल्यू यदि लेस देन जीरो है, इसका मतलब जो एफ एस है वो बिगर है, मतलब आपका. तो आप उस केस में क्या करोगे, आप किसको चूज करोगे, ऊपर वाले पॉइंट को चूज करोगे. और यदि डीके की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो है तो आप नीचे वाला पॉइंट, मतलब एक्स बढ़ेगा और वाई जो है वो माइनस होगा, इस वाले पॉइंट को चूज करोगे. चलिए ठीक है, तो प्लीज किसी को भी डाउट है